मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 18-8-20 के महावाक्य। आज हम मुरली सुनेंगे। बाबा को हम अपना साजन बना करके मुरली सुनेंगे कि साजन अब मुझे सजनी को क्या कह रहा है, और मुझ सजनी का श्रृंगार भी कर रहे हैं और सजनी को साथ भी ले जाएंगे। तो बड़ी एकाग्रचि से आत्मस्मृति में रह करके हम ये मुरली सुनेंगे कि परमात्मा जो है साजन के रूप में मुझे महावाक्य सुनाएंगे और मैं सजनी सुन जो जो कहेंगे वो मैं अपने जीवन में धारण करूँगी। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सत्व प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है और खूब पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाप पूछ रहे हैं बच्चों से, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती, वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना है। गीत है, तकदीर जगा करके आई हूँ, नई दुनिया बसा करके आई हूँ। बाबा बच्चों की आज तकदीर बना रहे हैं, और नई दुनिया कौन सी है? आत्मा की तकदीर जग गई है ना। कहते ना, जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला, ओ बाबा तूने मेरा जीवन हीरा ही बना दिया। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े, तकदीर बनानी है तो याद भी तो करना पड़ेगा ना। पवित्र सत्व प्रधान बनने के लिए सत्व प्रधान तकदीर बना नहीं सकते, ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। बाबा कहते, बाजू पर भी नाम लिखते हैं ना कई, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते, याद करने के लिए क्या करते हैं? दुपट्टे पे गांठ बांध लेते हैं, और कोई बाजू में लिखा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का, कृष्ण आदि का चित्र भी लगवाते हैं ना याद के लिए। ये है नए से नहीं याद, ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदा के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तब तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है।
अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर के भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलानी कर दी, भूल गए। इसलिए लिखा हुआ है, यदा यदा धर्मस गलानी, जब जब धर्म की गलानी होती है तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। गीता में लिखा है, अन्न जो है वो पूड़ियों में बिकेगा। अब देखो 10 किलो की, 5 किलो की आटे की थैली। फिर बताया कि दूध थैलियों में बिकेगा, वो भी बिक रहा है। लड़की खुद वर मांगेगी, मांग रही है। और बालों का श्रृंगार होगा, वो भी हो रहा है। इनका भी अर्थ बाप ही आकर के समझाते हैं। ऐसे कई बातें हैं, बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं, जरूर शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर के गए हैं। जिसकी जयंती मनाते हैं सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अब भी बाप आकर के समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है, और किसकी महिमा नहीं है। धर्म स्थापन की महिमा क्या होगी, बाप ही आकर के दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं। और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं, ये बेहद की बात है। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की बात नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो सब बाई प्लाट है। भारत में डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजा बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं ना, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। माना पवित्रता का ताज, देवता तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, उनको लाइट कहाँ देंगे। अब दे लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है, बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहे गुहे बातें समझाते रहते हैं। जो जितना बुद्धि में बिठा सके, मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। किसमें, याद की यात्रा में। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठे हो, उनमें भी जांच करो, याद में अचरिते रहते हैं बहुत है जो याद में रह ही नहीं सकते हैं, फिर वे वायुमंडल को ख़राब कर देते हैं। बहुत है जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांति होगी, इसलिए याद का चार्ट रखते ही नहीं है। झूठा लिखते लिखने से और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। फिर बाबा कहते झूठे से प्रीत क्यों रखनी, जब है ही झूठा
झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। काया भी सदा साथ थोड़ी रहेगी, धीरे 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 सब चली जाएगी। एकदम देह विमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, और ही सीखेंगे। यहाँ सच आ गए थे, यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। कहते सच तो बिठो नाच, सच्चे रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। दुनिया में 84 का चक्कर है, बीज बागते बुद्धि में 84 का चक्कर है ना, दुनिया वाले तो 84 लाख कहते रहते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना, बाप तो सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए, जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम हैं उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाबा मना थोड़ी करते हैं, बाबा कहते जो भी है राय है एडवाइस है तो लिख दो। बाबा बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें। बाबा इस युक्ति है हम भारत का कल्याण कर सकते हैं। सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, कहते आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया, बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है, तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुधामा का भी मिसाल गाया हुआ है ना, चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई फिर कितना ऊंच पद पा लिया। ये नहीं कि बाबा के घर में हम ये देंगे तब होगा, तो बाबा भी बताते हैं इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आसमान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है ना, समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्प काल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ते हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है ना। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हमको शांति कैसे मिले, मैं तो शांति धाम से मिलती और सज्जु में एक धर्म होने के कारण
वहाँ अशांति होती नहीं है। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं है। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं है। कितना फायदा होता है श्री श्री के मत पर, तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य बाबा ड्रामा के डायरेक्शन को नहीं जानते, पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है? अरे हमको बताने वाला बाप है, इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके ही हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं, बरादरियाँ होती हैं। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो, ये किसी की बुद्धि में रह ना सके। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तम प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चेतन का नहीं पड़ सकता है। तो बात समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, ऊंच पद पाना है और आसमान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखेंगे, पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाँ कहती अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुखकर्ता सुखकर्ता, दुख से आकर के लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप। बाबा कहते सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है? वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, मन दुखी होते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते कदम कदम पर मत लेनी चाहिए, गुरु की वह पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आश्रय मत क्या काम देगी, आश्रय तरफ ही ढकेलेगी ना। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंश ऊंश इसलिए गाया हुआ भी है कि श्रीमत भगवानों वाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हैविन बनाते हो, उस हैविन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अकल हो राय हो तो बाबा को भेज देवें। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं, नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं, दुकानदारों
को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं ना, दुनिया में भी सबको बाबा कहते, दुनियावी बातें, दुनिया में लोग, दुनिया की बातें कितना करते हैं ना, दुकान में भी सबको याद करवाते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है, सबका एक बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बोतों को आसमान बनाना है, आश्रय मत से अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते एक है आश्रय मत, एक है ईश्वरी मत। जो आश्रय मत है वो हमें रावण की तरफ ले जाएगी, जो ईश्वरीय मत है वो हमें राम की तरफ ले जाएगी। आश्रय मत में हमारा नुकसान है और ईश्वरीय मत में हमारा फायदा है। याद की मेहनत से आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वहाँ कहते जैसे वे कोई सोचते ना कि हम थोड़ा देंगे या बहुत आने देंगे, बहुत आ दे नहीं सकते हैं, तो वहाँ कहते ऐसे नहीं है। सुदामा मिसल अगर आप थोड़ा भी देंगे तो आगे जन्म में आपको महल मिल जाएंगे। वरदान दे रहे बाबा, परीक्षा और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजय भव। परीक्षा और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजय भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियाँ तो आने ही हैं। कई बच्चे सोचते हैं ना, बाबा हम आपके बच्चे बन गए हैं तो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ समस्याएं ना आए, तो बाबा कहते परीक्षाएं तो परीक्षा आएंगी, पेपर में कितने मार्क्स आते हैं वो तो पता चलेगा, समस्या आई और गई, समस्याओं से घबराना नहीं है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना है। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन नज़ारों से को पार करने की बजाय यदि कनेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है मर्यादाओं के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाम बच्चों कहते हैं बच्चे मर्यादा के अंदर रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जैसे अगर मर्यादा के अंदर रहकर चलेंगे तो माया वार कर ही नहीं सकती है, फिर हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाम बच्चों को क्या बनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे तो गुणवान भी बन जाएंगे और शक्तियाँ भी आ जाएंगी ना हमारे अंदर। तो बाबा कहते जैसे परमात्मा गुणों के सागर हैं, यदि आप परमात्मा के जो परमात्मा हैं गुणों के सागर हैं ना, यदि आप किसी मना की विकार की दुख की अग्नि में जल रहे हैं तो उस सागर में डुबकी लगाएं, बाबा को याद करें, बाबा के जो ज्ञान रत्न है उसमें हम खो जाएं।
आज बाबा ने हम बच्चों को सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करने को बताया। और सदा याद में रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। गीत कौन सा था? तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति।